हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि आइडियल्स क्या होती हैं, या कितने प्रकार की होती हैं, लेफ्ट आइडियल्स, राइट आइडियल, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, सभी चीज़ें हम सीखेंगे विद एग्जांपल, और साथ ही साथ इस पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एंड ऑफ द वीडियो में लाइक ज़रूर कर देना। तो आइडियल्स की डेफिनेशन में क्या कहती हैं, अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एश किसी रिंग आर का, इट्स सेट टू बी एन आइडियल ऑफ आर इफ, अगर ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर देता है। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, इफ एश इज अ सब ग्रुप अंडर एडिशन, मतलब एश को सब ग्रुप अंडर एडिशन होना पड़ेगा, यानी कि अगर ए कॉमा बी दो मेंबर एश में बिलोंग करते हैं तो ए माइनस बी भी कहाँ बिलोंग करेगा, एश में। ये प्रॉपर्टी होती है सब ग्रुप अंडर एडिशन दिखाने की। फिर दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर कोई एलिमेंट स्मॉल आर बिलोंग कर रहा है रिंग में और स्मॉल एस कोई मेंबर बिलोंग कर रहा है एस में, तो जो आर एस होगा या फिर एस आर होगा वो बिलोंग करेगा एस में। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाती हैं तो हम उसे बोलते हैं आइडियल्स, उस एस को हम बोलेंगे आइडियल्स उस रिंग आर का। तो आइडियल्स दो टाइप्स की होती हैं, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। तो लेफ्ट आइडियल क्या होता है, लेट आर बी अ रिंग एंड एस बी एन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ठीक है, आर हमारा एक रिंग है और एस जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, देन एस इज सेट टू बी अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर इफ, मैंने बोला था पहली को आपको क्या दिखाना है, सब ग्रुप अंडर एडिशन, तो वो हम दिखा देंगे, अगर ए कॉमा बी एस में है तो ए माइनस बी भी एस में होगा। अब अगर आर आर में है, एस एस में है, ठीक है, तो आर एस भी एस में होगा। देखिए ये जो आर देखिए लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं लेफ्ट आइडियल। और राइट आइडियल के सेम चीज़, ये चीज़ सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये वाली जो प्रॉपर्टी सेकंड वो सिर्फ आर राइट से ऑपरेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आइडियल। तो ये तो चलिए हमने आइडियल सीखा, लेफ्ट राइट सीखा, अब हम इस पर बेस्ड करते हैं कुछ एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल जो मैंने लिया है, हमारे पास एक रिंग लिया है मैंने मॉडुलो 6 के केस के लिए, जो सेट बन जाएगा वो हमारा रेजिडियो क्लासेस में 0, 1, 2, 3, 4, 5 बनेगा। ये एक रिंग होती है प्लस मॉडुलो 6 के केस और मल्टीप्लाई मॉडुलो 6 के केस में ये रिंग होती है। अब हम ये हमारा रिंग है, इससे मैंने एक सबसेट लिया 0.3 जो कि एडिशन के केस में ये क्या है, ग्रुप है, तो ये सब ग्रुप अंडर एडिशन प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आर आर में होता है, एस एस में होता है, तो आर एस भी एस एस में होना चाहिए। अगर आइडियल प्रूफ करना है ना, तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा। तो मैं देखिए आर की जगह पर मैं लेता हूँ 4 जो कि रिंग का एलिमेंट है, 4 है रिंग का एलिमेंट है, और एस में ले लेता हूँ 3 जो कि एस का एलिमेंट है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का केस लगाते हैं, 4 मल्टीप्लाई मॉडुलो 6 इंटू 3, 4 × 3 = 12, 12 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, और ये जो 0 है वो बिलोंग करेगा एस में, बिकॉज 0 एस में है, यानी कि आर एस बिलोंग्स टू एस, लेफ्ट आइडियल हो गया। सिमिलरली हम राइट आइडियल भी कर सकते हैं, 3 को पहले लिख दीजिए, 4 को बाद में, 3 × 12, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा जो कि एस में। तो ये एग्जांपल हो गया इस पर बेस्ड। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। पहली नोट क्या है कि एवरी आइडियल ऑफ आर इज़ अ सब रिंग ऑफ आर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये पहली इंपॉर्टेंट नोट है। सेकेंड नोट क्या है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, क्या है, एवरी रिंग पॉजेस एटलीस्ट 2 आइडियल, दैट इज द नल आइडियल यानी कि 0 एंड द यूनिट आइडियल यानी कि आर खुद, दीज आइडियल आर नोन एज इनप्रॉपर आइडियल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर आइडियल ऑफ आर, और बाकी जितने भी आइडियल बची हुई होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर आइडियल, रेस्ट ऑल द आइडियल ऑफ आर नोन एज प्रॉपर आइडियल, ठीक। तीसरी नोट आपकी ये हो जाएगी, अ रिंग कंटेनिंग नो प्रॉपर आइडियल इज नोन एज सिंपल रिंग, अगर आपका कोई ऐसा रिंग है जो नो प्रॉपर आइडियल को कंटेन करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल रिंग। आई होप इस वीडियो में आपको रिंग और रिंग से जुड़े कुछ टॉपिक्स जो आपके मन में डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं रिंग से जुड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए वो थ्योरम सारे डिस्कस करूँगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें,
ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू।